Friends, when I talk about budget off-roading, the first cars that comes to our mind are like Mahindra Bolero, Scorpio. But when you talk about hardcore off-roading, there are only a few. And India, budget segment में अगर मैं hardcore off-roading की बात करूँ तो दो ही गाड़ी हमारे दिमाग में आते हैं. एक है Mahindra की Thar, जिसका मैंने already review दे चुका हूँ. And the other one is the Force Gurkha, जिसके बारे में शायद ही बहुत कम लोगों को पता है. तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 2022 की Force Gurkha. और आज इस वीडियो में मैं इस Gurkha के बारे में आपको इन डिटेल एक रिव्यू दूंगा, कैसी है गाड़ी, थार के कंपैरिजन में गाड़ी अच्छी है या नहीं, स्पेस कैसा है, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ कैसी है और फीचर्स क्या क्या दिया है फोर्स ने इस Gurkha में. तो Let's start the video. Video ko last tak dekhiye and yes, do subscribe to the channel Akhomiya on Wheels, because is channel mein main gaadi aur bikes ke saath related har videos, news and updates aapke liye lata rehta hu. So without any further ado, let's start the video. To ye hai 2022 ki all new Force Gurkha BS6 compliant engine ke saath. And if I talk about looks, let me tell you, is gaadi ka road presence bahut hi badhiya hai dekhne mein. This design is kind of inspired by the Mercedes G-Wagon. जैसे कि Thar का design inspired था Jeep Wrangler से, वैसे ही इस Force Gurkha का design inspired है G-Wagon के साथ. अब थोड़ी बहुत modification करके इस गाड़ी को G-Wagon जैसे बना सकते हो. And it definitely looks fantastic, aggressive, एक you know masculine और एक proper जो SUV का road presence है वो road presence इस गाड़ी में definitely Force ने दिया है. जो पहले वाला Gurkha था वो भी काफ़ी attractive था, but इस Gurkha में जो चेंजेस किए हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊं तो इसमें आपको मिल जाएगा फुल LED हेडलैम्प, उसके साथ ही LED DRL, जो क्राउन ज्वेल टाइप का एक DRL दिया गया है, उसके साथ ही आपको मिलेगा फॉग लैम्प एंड बीच में लिखा हुआ है Gurkha, जो कि इस गाड़ी का नाम है. एंड दिस नेम डेफिनेटली सूट्स दिस कार, बिकॉज ये कैपेबल है ऑफ रोडिंग के लिए या किसी भी ट्रेन में जाने के लिए, जस्ट लाइक दी Gurkha रेजिमेंट. वीडियो में शायद ही आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन रियल लाइफ में दिस कार लुक्स वे बिगर देन दी Thar, क्योंकि आप लोगों को Thar के बारे में पता होगा, Thar ऑलरेडी इतनी बड़ी दिखती है रोड में, बट दिस कार लुक्स एंड दिस कार डेफिनेटली इनफैक्ट इट दिस कार इज बिगर देन दी Thar इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड इन टर्म्स ऑफ लेंथ. पर हाँ, विथ इस गाड़ी का थोड़ा सा Thar से कम है, बट इट डजेंट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्पेस इन एनी वेज. बम्पर के नीचे आपको मिलेगा बेस प्लेट, ताकि ऑफ रोडिंग के टाइम पे गाड़ी के चेसिस को किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचे, इसके वजह से यहाँ पे एक दिया गया है बेस प्लेट. एंड इसका जो टर्न इंडिकेटर है वो भी यहाँ पे प्लेस किया गया है, जो पहले Gurkha में भी इसी जगह पे था. एंड दिस वन इज़ LED. एंड इस गाड़ी में आपको मिलेगा फैक्ट्री फिटेड स्नॉर्कल, जो कि एक बहुत ही बढ़िया एडिशन फोर्स ने किया है, क्योंकि सिंस दिस इज़ ए प्रॉपर हार्डकोर ऑफ रोडिंग गाड़ी, तो इसमें स्नॉर्कल देना बहुत ही ज़रूरी होता है. बिकॉज ये गाड़ी लेके आप जाओगे हार्डकोर ऑफ रोडिंग, और हार्डकोर ऑफ रोडिंग में आप लोगों को वाटर वेडिंग भी करना पड़ेगा. एंड टॉकिंग अबाउट वाटर वेडिंग, इस गाड़ी का वाटर वेडिंग कैपेसिटी है 700 mm, जो कि Mahindra Thar से 50 mm ज़्यादा है. तो ये 700 mm तक पानी के अंदर आराम से जा सकता है, क्रॉस कर सकता है. छोटा बहुत यू नो जो रिवर्स होते हैं छोटे छोटे, वो रिवर्स को बहुत ही आसानी से ये गाड़ी यू नो क्रॉस कर सकता है, एंड थैंक्स टू दिस स्नॉर्कल. नाउ इफ आई कम टू दिस साइड, साइड से भी वो सेम यू नो एक रगेड एंड प्रॉपर SUV का लुक कंटिन्यू किया गया है. यहाँ पे आपको मिल जाता है एलो हिल, लेकिन ये जो एलो हिल है दिस वन इज़ ऑप्शनल, ये आपको एडिशनल बाय करना पड़ेगा. इसके साथ जो फैक्ट्री फिटर आता है वो नॉर्मल स्टील व्हील आता है, स्टील रिम आता है, बट ये ऑप्शनल आपको एलो हिल मिल जाएगा. और एलो हिल का साइज़ है 245 सेक्शन का है, और R16 इंच का एलो हिल दिया गया है. लेकिन आई थिंक यहाँ पे अगर 17 या 18 इंच का एलो हिल देते तो आई थिंक इसका ऑफ रोड कैपेबिलिटी थोड़ा बहुत और इम्प्रूव हो सकता था. एंड अगेन पीछे का जो लुक्स में चेंजेस किया गया है वो है ये रियर जो पोर्शन रहता है, यहाँ पे एक बड़ा सा आपको सिंगल विंडो जैसा एक पैनल मिलेगा, जो कि इस गाड़ी को काफ़ी रूमी और एयरी फील अंदर से देता है. एंड दिस वन इज़ दी 4x4x4, जो कि इस गाड़ी का एक यू नो बहुत ही बड़ा फीचर है, जिसको फोर्स हमेशा हाईलाइट करता है, बिकॉज दिस कार इज़ ए 4x4 कार, ए फुल्ली लोडेड 4x4 कार. एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2.6 CR, जो कि इस इंजन का स्पेसिफिकेशन है. आई कम टू द पार्ट लेटर, इंजन के बारे में बाद में बात करेंगे. एंड इस गाड़ी का जो व्हील बेस है वो है 2500 mm, विच इज़ काइंड ऑफ लेस देन दी Mahindra Thar. और इस Force Gurkha में आपको मिल जाएगा 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि बहुत ही सही है ऑफ रोडिंग करने के लिए. किसी भी तरीके का ट्रेन में बहुत ही आसानी से ये गाड़ी चल जाता है, इसका जो चेसिस है नीचे का पोर्शन लगने का चांसेस नहीं रहता है. नाउ इफ आई कम टू द रियर, पीछे से भी एक बहुत ही बढ़िया SUV स्टांस दिया गया है. हर
साइड से इफ़ यू लुक फ्रॉम ऑल दी एंगल्स, किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा कि एक छोटी गाड़ी है, हर एंगल से बहुत ही बड़ी दिखती है गाड़ी, एक प्रॉपर एसयूवी का जैसा स्टांस देता है, रगेड एक लुक इस गाड़ी में दिया गया है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा फोर्स गुरखा, उसके साथ एक गुरखा का जो सिंबल है या लोगो है वो मिल जाएगा, उसके साथ आपको मिल जाएगा पीछे नॉर्मल हैलोजन टेल लैंप्स, एंड ये जो लेदर दिया गया है ये लेदर भी आफ्टर मार्केट या एक्सेसरीज के हिसाब से आपको खरीदना पड़ेगा, फैक्ट्री फिटर नहीं आता है। एंड इसमें एक चीज़ फैक्ट्री फिटर मिलता है वो है पीछे का ये जो टोइंग हुक मिलता है, ये टोइंग हुक फैक्ट्री फिटर आता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी एंड यू नो एक अच्छी रेस्क्यू फीचर है, अगर कहीं आपका गाड़ी फंस जाता है तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड पीछे एक दिया गया है इसका स्पेयर व्हील यहाँ पे, जो कि इस गाड़ी को एक बड़ा या ना एक प्रॉपर एसयूवी जैसा लुक देता है। सो यस, चारों तरफ से ये गाड़ी बहुत ही बड़ी और बहुत ही रगेड दिखती है, एंड इफ यू कंपेयर विद थार तो आई थिंक समहाउ दिस कार हैज़ एडवांटेज ऑफ बीइंग बिगर, बिकॉज द बिगर द बेटर एज पीपल से। सो यस, एंड लुक एट द लोकेशन, आज मैं हूँ गुवाहाटी के पास की एक जगह है बुंडा करके, एक हिल स्टेशन जैसा जगह है, पहाड़ के ऊपर है, काफ़ी यू नो स्टीप इंक्लाइन था, एंड दिस कार परफॉर्म्ड रियली वेल। तो इस सेक्शन में आऊँगा मैं, धीरे धीरे आपको बताऊँगा कि इसकी ड्राइविंग डायनेमिक्स कैसा है, ऑफ रोडिंग में कैसा परफॉर्म करता है। तो फिलहाल हम जाते हैं इसके साइड के स्किट, ये जो स्टेप लेडर दिया गया है, बिकॉज इस गाड़ी का जो हाइट है, हाइट बहुत ज़्यादा है, तो आपको चढ़ने और उतरने के लिए इस साइड स्टेप की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेगी। इफ यू कम टू द इंटीरियर पार्ट, जो एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज है इस गाड़ी का एज कम्पेयर टू दी थार, वो है इसका सेकेंडरी एक्सेस। थार में आपको सेकेंडरी एक्सेस करने के लिए जो पहले का सीट होता था को ड्राइवर का, उस सीट को यू नो टम्बल डाउन करके आपको पीछे आना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इजी एक्सेस दिया गया है, एक पैसेज दिया गया है बीच में से, आप आराम से पीछे से उठ के सेकेंड रो एक्सेस कर सकते हो। एंड इस गाड़ी का जो बूट स्पेस है वो दिस इज़ द हाईएस्ट इन यू नो हार्डकोर ऑफरेडिंग सेगमेंट में, ये बूट हाईएस्ट बूट दिया गया है। लेकिन हाँ, इसमें एक इशू ये है कि आप जब सामान रखोगे देन यू हैव टू मेक श्योर कि ये बीच वाला पैसेज बचा रहे, ताकि लोगों को आने जाने में किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो। अभी चलते हैं गाड़ी के सेकेंड रो के अंदर, एंड यस दिस इज़ दी सेकेंड रो। बहुत ही गर्मी है तो कोल्ड ड्रिंक्स पड़ा हुआ है यहाँ पे, बिकॉज हम सब बहुत ही प्यासे हैं बिकॉज ऑफ दी क्लाइमेट कंडीशन, आज बहुत ही गर्मी है, ऊपर से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, इफ़ यू टॉक अबाउट दिस स्पेस, स्पेस इज डिसेंट इनफ, माई हाइट इज़ 5'8" एंड मेरे हाइट के हिसाब से सेकेंड रो का यू नो लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है। जो आगे का सीट है उसको थोड़ा ज़्यादा ही पीछे करके रखा है, फिर भी मेरे यहाँ पे बहुत अच्छा लेग रूम मिल जाता है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट दी हेडरूम इज़ क्वाइट डिसेंट, बिकॉज ये गाड़ी बहुत ही ऊंची है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट दी अंडर थाई सपोर्ट इज़ गुड इनफ, कुड बी बेटर, बट यस सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। आपको एक बहुत ही बकेट सीटअप का एक यू नो सीट मिल जाता है, इसका बोल्स्टरिंग बहुत अच्छा है, तो ओवरऑल सीट कम्फर्ट इज़ क्वाइट गुड। एंड लाइक आई सेड, इजी एक्सेस है, आपको आराम से आने जाने के लिए कोई भी इशू नहीं होगा। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शो यू हियर इज दैट इसका जो फ्लोर है वो प्लास्टिक है, इसमें आप अलग से मैट लगाने की ज़रूरत नहीं है, कम्प्लीटली वॉशेबल एक मटेरियल से बनाया है, क्योंकि आप ऑफ रोडिंग करोगे तो किचड़ तो अंदर आना ही है, तो इसके लिए फोर्स ने बहुत ही यू नो अच्छी तरीके से सोच के ये प्लास्टिक का फ्लोर दिया है, ताकि इजीली आप वॉश कर सको। एंड बिकॉज ऑफ दी लाइक आई सेड, ये जो लंबी विंडो दिया गया सिंगल, इसके वजह से आपको अंदर बहुत ही रूमी और एक बहुत ही बढ़िया व्यू मिलता है। तो यस, बहुत ही बढ़िया केबिन है सेकेंड रो का। एंड ये जो आर्मरेस्ट है, दिस वन इज़ यू नो एडजस्टेबल, यहाँ पे एक लीवर दिया गया है, इस लीवर के हिसाब से आप अपने हाइट के हिसाब से इस यू नो आर्मरेस्ट को एडजस्ट कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही बढ़िया थिंकिंग किया है फोर्स ने। एंड वहाँ पे आपको मिल जाएगा इस गाड़ी का जैक। तो पीछे का स्पेस इज़ क्वाइट गुड, यहाँ से विजिबिलिटी भी बहुत सही है, आपको आगे भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देता है। एंड अभी हम जाएंगे आगे एंड देखेंगे कि ये आगे से कैसा है एंड आगे का स्पेस या कंफर्ट कैसा है। तो लेट्स गो टू दी फ्रंट। तो अभी हम चलेंगे ड्राइवर सीट पे एंड देखेंगे कि इसका इंटीरियर और आगे का सीट का पोजीशन और स्पेस कैसा दिया है फोर्स ने। तो मैंने जैसे बोला, यहाँ पे चढ़ने के लिए इस स्टेप की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेगी, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही ऊँची है एंड यहाँ पर सपोर्ट के लिए हैंडल भी दिया गया है। बहुत ही बढ़िया केबिन है, इससे पहले वाला गुरखा था उससे बहुत ही यू नो इम्प्रूव किया गया है केबिन को। एंड लुक एट द स्पेस, मैं सिर्फ अपने यू नो ड्राइविंग कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट करके रखा हूँ, फिर भी बहुत ही बढ़िया स्पेस यहाँ पे मिलता है। केबिन इज़ क्वाइट यू नो स्पेशियस, आपको किसी भी तरीके के क्लॉस्ट्रोफोबिक टाइप का फील आगे या पीछे कहीं भी नहीं होगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द मटेरियल ऑफ द डैशबोर्ड एंड एवरीथिंग, यस दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक,
नॉट द बेस्ट इन द सेगमेंट आई वुड से द मटेरियल, बट यस क्योंकि ये ऑफ रोडिंग गाड़ी है, यहाँ पे आपको ऐसा चीज़ चाहिए जो कि रगेड हो, जो कि लंबा दिन चले और किसी भी तरीके से जल्दी ख़राब ना हो। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एसी एंड ये है इसका 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट कंसोल ऑफ द फोर्स गुरखा। एक ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, यहाँ पे आपको साइड में मिल जाएगा टेकोमीटर और यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्पीडोमीटर एंड इसमें आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और ये है इस गाड़ी का टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। इट लुक्स लाइक आफ्टर थॉट बिकॉज इसको कंपनी ने शायद गाड़ी बनाने के बाद सोचा हो कि हाँ इसमें भी यू नो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दे ही देते हैं, बट व्हाटएवर इट इज़ इट लुक्स गुड। आपको चारों टायर का प्रेशर इसमें दिखाई देता है जो कि ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। नाउ डोर ट्रिम की अगर बात करूँ वही सिंपल डोर ट्रिम है, यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक जैसा डिज़ाइन मिल जाता है एंड इसमें प्रैक्टिकलिटी अगर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा यू नो बोतल रखने का जगह थोड़ा सा आई फील लाइक और ज़्यादा हो सकता था क्योंकि डोर पॉकेट में आप अगर एक बोतल होल्डर देते तो काफ़ी अच्छा होता। लेकिन ये इसका जो सेंटर कंसोल है बहुत ही बड़ा है, आप लुक एट द विड्थ, बहुत ही बड़ा सेंटर कंसोल है। यहाँ पे आपको दो कप होल्डर, यहाँ पे छोटा मोटा चीज़ें रखने की जगह मिल जाती है एंड क्योंकि ऑफ रोडर है 4x4 है तो यहाँ पे आपको दो गियर लीवर मिल जाएगा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे एंड इस ये दो जो लीवर है उसके बारे में भी हम चलाते टाइम बात करेंगे। नाउ दिस इज द इंटीरियर ऑफ द या फ्रंट रो ऑफ द फोर्स गुरखा। का स्टीयरिंग व्हील काफ़ी सिंपल है, पहले वाले स्टीयरिंग व्हील से काफ़ी इंप्रूव्ड है, बट हाँ एज़ कम्पेयर टू थार इसमें आपको यू नो स्टीयरिंग मोटर कंट्रोल्स वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन ऑफ रोडिंग में वो सब की ज़रूरत है भी नहीं बिकॉज ये गाड़ी लेके आप कहीं यू नो शो ऑफ के लिए तो जाओगे नहीं। दिस कार इज़ फॉर दोज हु कैन यू नो हु विलिंग टू गो ऑन एनी काइंड ऑफ टेरेन फॉर फन फॉर एडवेंचर। तो उस हिसाब से स्टीयरिंग व्हील सही है। फील एंड फीडबैक आई टॉक अबाउट दैट जब मैं गाड़ी चलाऊंगा। तो ओवरऑल द इंटरेस्ट क्वाइट बेसिक, जो चीज़ें चाहिए एक गाड़ी में डे टू डे यूज़ के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें इस गाड़ी में दिया है फोर्स ने। ज़रा कुछ यू नो कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है ताकि आपका मेंटेनेंस कम हो, जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना ही आपका मेंटेनेंस बढ़ेगा और ऑफ रोडिंग में यू नो डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा होगा। तो दिस आर द रीजंस फोर्स हैज यू नो ट्राई टू कीप दिस कार क्वाइट सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक बट विथ ऑल द नेसेसरी यू नो फीचर जो आपको चाहिए। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सेफ्टी फीचर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा दो एयरबैग्स। इफ आई कैन शो यू, यहाँ पे आपको को ड्राइवर और ड्राइवर दोनों तरफ मिल जाएगा दो एयरबैग, उसके साथ आपको मिल जाएगा ABS with EBD। बट हाँ इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन इस तरीके का फीचर नहीं मिलेगा। और एक चीज़ जो इस गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा वो है इफ आई टॉक अबाउट द थार। थार में क्या होता था, पीछे आपको रोल केज मिलता था, जो एक फैक्ट्री फिटेड रोल केज है वो रोल केज मिल जाता था, बट यहाँ पे किसी भी तरीके का रोल केज नहीं दिया गया है जो कि आई थिंक देना चाहिए था बिकॉज ऑफ रोडिंग के टाइम पे गाड़ी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एक रोल केज होना यू नो इट्स अ वेरी बिग एडवांटेज एंड इट्स अ वेरी बिग यू नो सेफ्टी फीचर टू हैव इन एनी काइंड ऑफ रोडिंग व्हीकल्स। सो ओवरऑल मुझे किसी भी तरीके का ऐसा कोई कंप्लेंट अब तक तो नहीं लगा। हाँ जो जो लगा मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जैसे कि ORV में थोड़ा सा यू नो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल दे सकता था। अब चलते हैं गाड़ी के यू नो गाड़ी के अंदर एंड चलाते हैं एंड देखते हैं इस गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है, चलाने में गाड़ी कैसी है एंड इसका ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी कैसी है। तो मिलते हैं गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी के अंदर जाने से पहले एक बार आपको एक झलक दिखा देता हूँ इस फोर्स गुरखा की कैपेबिलिटी का। तो ये है जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है गुरखा एंड ये है सीढ़ी। तो अभी ये गुरखा आएगी इन सीढ़ियों से। नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल ऑफ रोडिंग। ये देखिए, आई डोंट थिंक हर कोई ऑफ रोडर या ऑफ रोडिंग की गाड़ी ये काम कर सकती है। लुक एट दी यू नो लुक एट हाउ दिस कार इज गोइंग डाउन फ्रॉम दी स्टेयर्स। ये देखिए, सो दिस इज़ दी कैपेबिलिटी और दिस इज़ व्हाट दिस फोर्स गुरखा इज़ कैपेबल ऑफ। अभी जाएंगे अंदर एंड अभी मैं चलाऊंगा एंड आप लोगों को बताऊंगा कि गाड़ी चलाने में कैसी है। तो दोस्तों अभी मैं बैठा हुआ हूँ फोर्स गुरखा के अंदर एंड अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये दो गियर लीवर किस लिए दिया गया है। तो ये जो है ये नॉर्मल जो हमारा ट्रांसमिशन का गियर लीवर है वो है गियर चेंज करने के लिए एंड दिस वन इज़ फॉर दी जो 4x4 कैपेबिलिटीज है उसको चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे आपको चार पोजीशन मिलते हैं, 2 हाई 4 हाई न्यूट्रल एंड 4 लो। तो 2 हाई में आपका 2x2 के हिसाब से चलेगा, सिर्फ पहले का आगे का जो दो पहिया है उसमें पावर डिलीवरी होगा एंड ये दो है 4x4 चलाने के लिए, यानी कि चारों पहियों में आपका पावर जाएगा। 4 लो में लो गियर्स में रहेंगे एंड 4 हाई में ये थोड़ा सा हाई गियर में रहेगा
बेसिकली आप अगर आपको इंक्लाइन करना हो, स्टीप इंक्लाइन करना हो, देन यू हैव टू पुट इट इन फोर लो. और अगर आपको हाईवे में जा रहे हो या नॉर्मल ऑफ रोडिंग है, आपको ज़्यादा कीचड़ या ज़्यादा स्टीप इंक्लाइन नहीं है, देन यू कैन पुट इट इन फोर हाई. तो फोर बाय फोर में ये दो मोड होते हैं. एंड नॉर्मल हाईवे क्रूजिंग के लिए अगर आपको कहीं ऑफ रोडिंग नहीं है, नॉर्मल हाईवे पर जा रहे हो, देन यू कैन पुट इट इन टू हाई. एंड बाकी ये हो गया नॉर्मल ट्रांसमिशन. एंड ये जो दो लीवर आप देख रहे हो, वो दोनों फ्रंट व्हील के डिफरेंशियल एंड रियर व्हील के डिफरेंशियल को लॉक करने के लिए होता है. अभी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं एंड जाते हैं नीचे. तो हम पहाड़ के ऊपर है, तो अभी पूरा जो जर्नी होगा वो नीचे की तरफ होगा, तो ज़्यादा यू नो पिकअप लेने की याद ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो इस गाड़ी को पावर दे रहा है मर्सिडीज सोर्स 2.6 लीटर की डीजल इंजन, जो पावर प्रोड्यूस करता है 91 BHP का और 250 न्यूटनमीटर का इसका टॉर्क है. जो इससे पहले वाला बुरखा था, गुरखा एक्सट्रीम जो था, उसमें 2.2 लीटर का टर्बो डीजल आता था जो कि पावर प्रोड्यूस करता था 140 BHP. बट मे बी बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इश्यूज एंड टू मेक इट मोर अफोर्डेबल, इस बार फोर्स ने इस गाड़ी में वो 2.2 लीटर छोड़कर 2.6 लीटर का डीजल इंजन दिया है. बट पावर में यू नो इवन दो इट्स 91 BHP, बट अभी जब हमने यू नो ऊपर आ रहे थे पहाड़ में, तो ऐसा फील नहीं हुआ कि पावर कम है. पिकअप अच्छे से ले रहा था. हाँ, गाड़ी का वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसके वजह से यू नो समटाइम्स हाईवे में आपको फील होगा कि पावर थोड़ा सा कम है, लेकिन ऑफ रोडिंग में दिस इज़ क्वाइट गुड. एंड ये रास्ता बहुत ही स्टीप था, इंक्लाइंड, एंड अभी जाने के टाइम पे भी बहुत ही यू नो स्लोपी है एंड ऊपर से थोड़ा सा स्लिपरी है. तो आई होप ये फोर्स गुरखा आराम से नीचे उतर जाएगी. तो इसमें आपको मिल जाएगा 5-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन. इसमें फोर्स ने सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन दिया है और एक ही ट्रांसमिशन ऑप्शन दिया है. यहाँ पे दूसरा कोई ट्रांसमिशन ऑप्शन या इंजन ऑप्शन नहीं है. तो यहाँ पे आपको सेम 2.6 लीटर का डीजल और 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी है इस गाड़ी को किसी भी तरीके की ट्रेन में चलाने के लिए. तो अभी चलाते वक्त अगर इफ़ आई टॉक अबाउट सीटिंग हाइट, सीट हाइट बहुत ही सही है, विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया है, दोनों साइड मुझे बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है, किसी भी तरीके का इशू इस चीज़ में नहीं है. एंड सस्पेंशन इज़ डेफिनेटली ऑन द सॉफ्टर साइड बिकॉज ऑफ रोडिंग गाड़ी है, तो सस्पेंशन हैज़ टू बी सॉफ्ट. ये गाड़ी चलाने पर आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही ऊँचा एक यू नो प्रॉपर SUV में बैठने से जैसा फील होता है, वो फील इस गाड़ी में आपको लगेगा. यू नो बाकी जो सफारी बोले या यू नो थार, दे विल लुक स्मॉल इन फ्रंट ऑफ दिस कार व्हेन यू ड्राइव. तो एक बहुत ही बढ़िया फील इस गाड़ी में आपको मिलेगा चलाने के टाइम पे. दोज़ हु लव ऑफ रोडिंग, जिसको पता है ऑफ रोडिंग कैसे करते हैं, जिनको गाड़ी चलाने में मज़ा चाहिए, ये फोर्स गुरखा उनके लिए है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कम है एंड मैकेनिकल ज़्यादा है. एंड जहाँ पे मैकेनिकल ज़्यादा हो वहाँ पे आपका स्किल बहुत मैटर करता है. तो ये प्रॉपर जो हार्डकोर ऑफ रोडिंग है, प्रॉपर जो गाड़ी का एंथुजियास्ट है, उन लोगों के लिए ये गुरखा बहुत ही सही गाड़ी है. अभी हम यहाँ से उतर के हाईवे में जाएंगे एंड वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि हाईवे में इस गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है. प्लस इसका जो अप्रोच एंड डिपार्चर एंगल है, इसका 37 डिग्री का अप्रोच एंगल है और इसका जो डिपार्चर एंगल है वो 33 डिग्री का होता है. प्लस इसका ब्रेकओवर एंगल भी बहुत सही है, 23.5 डिग्री या 25 डिग्री के आसपास इसका ब्रेकओवर एंगल है, जिसकी वजह से यू नो प्लेन सर्फेस, जब आप स्टीप सर्फेस पे चढ़ते हो तो इसका आगे का पोर्शन लगने का चांसेस नहीं रहता, क्योंकि अप्रोच एंगल सही है. और उतरने के टाइम पे भी इसका पीछे का बम्पर या पीछे का साइड लगने की कोई भी यू नो गुंजाइश नहीं रहता, बिकॉज इसका डिपार्चर एंगल भी बहुत ही सही दिया गया है. तो अभी हम आ गए हैं सिटी रोड पे, अभी देखते हैं हाईवे या सिटी रोड पे इसका परफॉर्मेंस कैसा है. तो मैं अभी 2x2 चला रहा हूँ, 4x4 अभी ज़रूरत नहीं है, तो फ्रंट व्हील ड्राइव मोड में अभी फ़िलहाल गाड़ी चल रही है. तो पिकअप इज़ गुड, नॉट यू नो वेरी फास्ट, बिकॉज गाड़ी थोड़ा हैवी है, उसके हिसाब से पिकअप इतना भी फास्ट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और ज़रूरत भी नहीं है, गाड़ी उस चीज़ के लिए बना भी नहीं है. तो नॉर्मल सिटी के लिए पिकअप सही है. इसका जो पावर है वो 1,500 के बाद से स्टार्ट होता है, 1,500 के नीचे थोड़ा सा डल फील होता है, उसके बाद आपको इस गाड़ी में पावर मिलेगा. स्टीयरिंग का फील एंड फीडबैक गुड एंड नॉट द बेस्ट इन दिस सेगमेंट, बट हाँ सही फील एंड फीडबैक आपको मिल जाता है. थोड़ा सा बीच में स्लैक पॉइंट थोड़ा सा है, इतना कि इतना नहीं है कि आपको यू नो अनकम्फर्टेबल फील होगा, सही है. एंड ये जो गाड़ी ऑफ रोडिंग कार्स जो होती है उनका यू नो टॉर्क जो होता है वो
लो एंड में बहुत ही हाई होता है, वही चाहिए एक्चुअली। जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो आपको लो एंड टॉर्क बहुत ही ज़्यादा चाहिए, और इस गुरखा में भी आपको लो एंड टॉर्क बहुत ही सही मिल जाता है। हाई एंड में थोड़ा सा यू नो पावर आपको कम फील होगा, एंड इस गाड़ी को इतना हाई रेव करने की ज़रूरत भी नहीं है। दिस इज़ समथिंग दैट यू नो यूड एन्जॉय ऑन दी ऑफ रोडिंग, एंड ब्रेकिंग इज़ रियली नाइस ऑन दिस बाइक। तो अभी आगे है जोराबाद, जो कि थोड़ा सा ट्विस्टी रोड है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस गाड़ी का जो बॉडी रोल वगैरह है या कॉर्नरिंग में कंट्रोलबिलिटी कैसा है। तो ये लेदर ऑन फ्रेम डिज़ाइन है, जो कि हर एसयूवी का बेस होता है मैक्सिमम एसयूवीज में। इनफैक्ट हर एसयूवी में यही वाला यू नो चेसिस या प्लेटफॉर्म होता है। तो इस प्लेटफॉर्म में थोड़ा बहुत बॉडी रोल होता ही है, बिकॉज सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट होता है एसयूवीज का। तो इसमें भी बॉडी रोल है, बट इस हाँ लगे से बॉडी रोल बहुत ही वेल कंटेंड है। इतना नहीं है कि आपको टर्न लेने के टाइम पे डर लगेगा, इस तरह का बॉडी रोल इसमें नहीं है। यू कैन फील द बॉडी रोल, बट इट इज़ नॉट एज कैरी एज सम अदर एसयूवीज लाइक स्कॉर्पियो। अगर मैं बोलूँ तो स्कॉर्पियो में बहुत ही ज़्यादा बॉडी रोल होता है, जो कि फोर्स गुरखा में बहुत ही वेल कंटेंड है। फोर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस गाड़ी में बॉडी रोल यू नो मैनेज किया है। सो हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। अगर आप ढूंढ रहे हो कि आपको एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग हार्डकोर ऑफ रोडिंग गाड़ी चाहिए, जो कि यू नो ऑफ रोडिंग भी कर सके और समटाइम्स यू कैन यूज़ इट फॉर डे टू डे लाइफ, देन दिस कार इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। आप अगर गुवाहाटी के आसपास हो या आसाम में हो, सो यू कैन डेफिनेटली कम टू सुहानी फोर्स नियर 9 माइल, जो कि जोराबाद के आगे है। तो यू कैन कम टू दिस शोरूम एंड आप लोग आके ये गाड़ी चला के देख सकते हो। आप लोग खुद चला के जब तक नहीं देखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये गाड़ी कितनी कैपेबल है। सो अगर आप लोगों का बजट अराउंड 15 लैक्स है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस कार। आई वुड से कम टू दिस शोरूम सुहानी बजाज एंड ट्राई दिस कार आउट। चला के देखिए, फील कीजिए गाड़ी कैसा है, चलाने में कैसा है। गो आउट फॉर एन ऑफ रोडिंग, देन यू रियलाइज कि कितना कैपेबल ये गाड़ी है। तो अगर मैं प्राइस की बात करूँ, तो दी एक्सशोरूम प्राइस ऑफ दिस गुरखा इज़ अराउंड 14.49 लैक्स, जिसमें आपको एलोहिल वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप एलोहिल लगाते हो या अदर एक्सेसरीज जो लगाते हो, डेट विल कॉस्ट यू अराउंड 70,000। तो अगर आपको नहीं लगाने है, स्टॉक में गाड़ी चाहिए, देन यू विल गेट इट फॉर 14.49 एक्स शोरूम, एंड ऑन रोड प्राइस वुड बी अराउंड 15.5। तो दोस्तों, आज यही था फोर्स गुरखा का एक डिटेल्ड रिव्यू। मुझे पर्सनली गाड़ी बहुत ही सही लगी। हाँ, आई रियली फील लाइक यू नो पावर कुड हैव बीन बेटर। अगर फोर्स 2.2 लीटर वाला इंजन दे, तो दिस कार वुड डेफिनेटली ए बीस्ट, इफ आई वुड से। सो यस, बहुत ही बढ़िया एंड कैपेबल गाड़ी है। तो अगर आपको आज का वीडियो देख के अच्छा लगा, तो डेफिनेटली एक लाइक दीजिए एंड शेयर करें इस वीडियो को, ताकि आपके फैमिली या फ्रेंड्स में अगर कोई ढूंढ रहा है एक यू नो प्रॉपर ऑफ रोडिंग हार्डकोर ऑफ रोडिंग गाड़ी, देन दे कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। बिकॉज बहुत लोगों को इस फोर्स गुरखा के बारे में पता नहीं है, जहाँ तक मुझे आइडिया है बहुत लोगों को पता नहीं है कि फोर्स में भी एक इतनी अच्छी इतनी कैपेबल ऑफ रोडर गाड़ी है। बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट ऑफ रोडिंग, सबके माइंड में फर्स्ट थार ही आता है। तो थार के लिए ऐसी गाड़ी नहीं है जो कि यू नो हार्डकोर ऑफ रोड कर सकता है। दिस वन इज़ डेफिनेटली अ कैपेबल ऑफ रोडर। इफ़ यू गो टू द साउथ, अगर आप साउथ साइड जाते हो, देन यू विल सी लॉट ऑफ गुरखाज आउट देयर, बिकॉज साउथ के लोग ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस कार आउट। एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल अखोमियान व्हील्स। में इस चैनल में गाड़ी और बाइक्स के साथ रिलेटेड हर न्यूज़, रिव्यूज़ और अपडेट्स डेली बेसिस में आपके लिए लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई गाड़ी के साथ या बाइक के साथ। तब तक के लिए आप सब हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। एंड यस, अ वेरी बिग शाउट आउट टू सुहानी फोर्स फॉर हेल्पिंग मी आउट विद दिस रिव्यू। मैं उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उनको कॉन्टैक्ट करके आ सकते हैं शोरूम में, लाइक आई सेड, एंड यू कैन ट्राई दिस कार आउट। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए, दिस इज ज्योति साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय।